अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आईटी स्कॉलर। आईटी स्कॉलर में आप लोगों का खुश आमदीद। जी कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्मार्टफोन से रिलेटेड, एंड्रॉयड से रिलेटेड एक टिप लेकर आया हूँ, एक ट्रिक लेकर आया हूँ, जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं। ज़्यादातर ये स्टूडेंट्स के लिए है और ज़्यादातर ऐसे लोगों के लिए जो बिजनेसमैन हैं, कारोबार में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और हर किसी का नंबर सेव नहीं कर पाते। तो इसका मैं सलूशन लेकर आया हूँ। क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जैसे भी हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, जैसे कोई बंदा आया हमारे पास, बिजनेसमैन के पास आया, तो उसको कहने लगा कि भाई ऐसा करो, मुझे व्हाट्सएप कर दो। तो वो कहते हैं कि आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दें, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। फिर क्या होता है कि हमें वो व्हाट्सएप नंबर सेव करना पड़ता है, कॉन्टैक्ट सेव करना पड़ता है। तो जब कॉन्टैक्ट सेव करते हैं, फिर हम उसको वो डाटा सेंड करते हैं। तो मैं आज आपको इसको बहुत ही आसान तरीका लेकर आया हूँ कि आप बिना सेव किए, बिना आप अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट को सेव किए, कैसे अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह व्हाट्सएप के जरिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप अपना व्हाट्सएप का नंबर किसी को सेव करवाएं ताकि वो आपको डाटा सेंड करे। तो आपने क्या करना है, सिर्फ स्टेप्स को फॉलो करना है। मैं आपको प्रॉपर ये करवाऊंगा, सिखाऊंगा कि इसको कैसे किया जाता है। सिर्फ आपने मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है? चलिए, शुरू करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको मजीद नोटिफिकेशन मिलते रहें और इससे आप फ़ायदा उठाते रहें। तो इसको शुरू करने से पहले आपके पास व्हाट्सएप होना ज़रूरी है, और जीबी व्हाट्सएप नहीं, ओरिजिनल व्हाट्सएप होना ज़रूरी है। और ओरिजिनल व्हाट्सएप ही किया करें ताकि आप जो ये हैकिंग सिस्टम है इससे बचा जा सके। तो जीबी व्हाट्सएप बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है, इसको आप ख़त्म कर दें अगर किसी ने इंस्टॉल किया हुआ है तो। ओरिजिनल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड करें व्हाट्सएप को, और उसमें हर किसी में ये आपको फीचर मिल जाएगा, ठीक है? चलें अब मोबाइल पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम इसको कर सकते हैं। लेकिन दोबारा कह रहा हूँ आप लोगों को कि मेरे हर स्टेप को आपने फॉलो करना है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ सकें, ठीक है जी? चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने दोनों मोबाइल आ चुके हैं, तो हम मोबाइलों से क्या करेंगे, अपना डाटा जो है या अपना मैसेज जो है ट्रांसफ़र करेंगे बिना सेव किए अपना मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स। तो हमने सबसे पहले उस मोबाइल को ही उठाना है जिस मोबाइल का डाटा जो है हमने शेयर करना है या जिस मोबाइल को हमने मैसेज करना है। तो मेरे पास जो लेफ़्ट साइड वाला ये मोबाइल है, इसका मैं चाह रहा हूँ कि इसका मैं कॉन्टैक्ट बिना सेव किए दूसरे मोबाइल से मैसेज भेज सकूँ। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा जी, व्हाट्सएप में जाऊँगा। व्हाट्सएप में जाने के बाद मैं यहाँ से इसकी सेटिंग में जाऊँगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखो, राइट कॉर्नर पे मेरे पास बना हुआ जी बार कोड, बार कोड पर क्लिक कर दूँगा तो मेरे पास ये बार कोड आ गया जी। इस बार कोड को मैंने दूसरे मोबाइल से, ये जो मोबाइल है मेरे पास, इस मोबाइल से मैंने इसको स्कैन करना है जी। कैसे स्कैन करना है जी, इसके हमने व्हाट्सएप में जाना है। व्हाट्सएप में जाने के बाद हमने इसको क्या करना है जी, इसकी सेटिंग में जाना है जी। इसी तरह जैसे पीछे गया था मैं सेटिंग में, इसकी सेटिंग में गया, उसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है जी। जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास देखो इधर भी बार कोड आ गया जी, मैं बार कोड पर क्लिक कर दूंगा जी। यहाँ पे मेरे पास इसका अपना बार कोड आ गया, हमने इसको स्कैन कोड पे क्लिक कर देना है जी। स्कैन कोड पे क्लिक किया तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, हमने इसके आगे अपना मोबाइल लेकर आना है और इसको यहाँ पे स्कैन कर लेना है। देखें बिना सेव किए, बिना आप क्या ले के अपने डाटा को सेव किए, देखें आपके पास मोबाइल जो है ये आ चुका है। मैं अपने यहाँ पर टैक्स वगैरह भी कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं टैक्स कर दूँगा। देखिए ये मेरे पास इस नंबर से मैसेज आ चुका है, हालांकि मैंने ये सेव नहीं किया, दूसरे ने भी सेव नहीं किया, ठीक है? ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।